सेवेज मैन, जो कि एक एक्शन ड्रामा मूवी है दोस्तों। लगभग 1.5 घंटे की ये फिल्म क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, क्या इंटरेस्टिंग चीजें लेके आती है ये मूवी, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों अगर मैं मूवी की कहानी की बात करूं तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है जिसके पापा को कुछ डाकू लोग मार देते हैं। मारने के बाद में वो उस लड़की को भी मारना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ी पे एक माउंटेन किंग नाम का बंदा होता है जो उस लड़की को बचा लेता है। अब दोस्तों मूवी के अंदर देखने लायक चीज ये है, वो जो लड़की होती है छोटी सी, उसके अंदर बदले की आग धधकती रहती है और वो उस माउंटेन किंग नाम के बंदे से मदद मांगती है। तो अब देखना यह है कि भाई वो माउंटेन किंग नाम का बंदा उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी मूवी के अंदर, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों देखो मूवी की शुरुआत जिस तरीके से होती है, आपको मूवी के अंदर इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है आपका इंटरेस्ट मरने लगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर ज्यादातर ड्रामा ही दिखाया गया है, एक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप ये मूवी एक्शन सोच के देखने जा रहे हो तो आपको एक्शन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो जो छोटी सी लड़की होती है और वो जो माउंटेन किंग नाम का बंदा होता है, इन दोनों के बीच की जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। और उस माउंटेन किंग नाम के बंदे के साथ में एक बड़ा सा गोरिल्ला भी होता है, तो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देख के भी आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा। हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ में आपको जो ड्रामा देखने को मिलेगा उसमें आपको मजा जरूर आएगा। दोस्तों मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत जगह हो सकता है आप थोड़ा सा बोरिंग जैसा फील करो, लेकिन दोस्तों ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मुझे बस वो छोटी सी जो लड़की होती है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उसकी परफॉर्मेंस जो मूवी के अंदर दिखाई गई है उसमें आपको मजा आ जाएगा, और बाकी जितने भी करेक्टर्स आपको नजर आएंगे उनकी भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों मूवी ठीक ठाक है, मुझे इस मूवी का एंडिंग सीन अच्छा लगा, थोड़ा सा इंप्रेसिव है, आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इसे देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5/10। तो दोस्तों आप जब ये मूवी देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।